हम आजकल के ज़माने में जहां इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल आम है, किस तरह तकवा हासिल कर सकते हैं? किस तरह तकवा हासिल कर सकते हैं? इंटरनेट और सोशल मीडिया पे नेक बातें भी तो आती हैं ना, MTA भी तो आता है ना, तकरीरें भी आती हैं ना, कुरान करीम का दर्स भी आता है ना, मुजराबे के या दूसरे सवाल जवाब भी आते हैं ना, हज़रत मुस्लिम मौद की तकरीरें भी आती हैं, किताबें भी आती हैं, मेरे खुतबे भी आते हैं, मेरी तुम लोगों की साथ सीटिंग भी आती हैं। हैं इनको सुनो ज़रूर। तुमने पोर्नोग्राफी देखनी है या गलत किस्म की तस्वीरें देखनी है, शक्लें देखनी हैं, या फजूल और गंदी बातें देखनी हैं, या पैसे ज़ाया करने वाली गेमें देखनी हैं फोर्टनाइट की तरह की, हैं तो, या और इस तरह की और गेमें भी, कोई भी गेम जो पैसे करने वाली वो देखनी है। तो इसमें इसका बेहतर इस्तेमाल करो तो नेकी की तौफीक होगी। और फिर यह है कि एडिक्ट ना हो जाओ उस चीज़ के लिए। आदत डालो कि नमाज़ 5 वक्त नमाज़ें हमारे पे फ़र्ज़ हैं, 10 साल से ऊपर फ़र्ज़ बन जाती हैं हर एक के लिए। तो 10 साल के हो गए हो, तुम सारे ही ऊपर हो गए हो, तो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। तो कोई भी प्रोग्राम हम देख रहे हैं तो उसको छोड़ के नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का हक़ भी अदा करें पहले, फिर बंदों का हक़। अल्लाह ताला कहता है सिर्फ़ नमाज़ों में अगर कमी बेशी करनी है, आगे पीछे करना है वक्त, तो उस वक्त करो जब कोई मजबूरी हो। अब जलसे हैं, हमारी मजबूरी होती है, तो तकरीरें करनी है, प्रोग्राम करने हैं, वो भी नेक काम हो के प्रोग्राम है तो हम नमाज़ें जमा कर लेते हैं, या मौसम की वजह से वक्त थोड़ा होता है नमाज़ें जमा कर लेते हैं, या एक शख्स है, तुम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हो, एक शख्स देखा तुमने एक्सीडेंट रास्ते में हो गया और कोई उसको उठाने वाला नहीं, तो उठा के उसको हॉस्पिटल ले जाते, या वहाँ खड़े रहते हो जब तक एम्बुलेंस नहीं आती। हैं तो ये तुम्हारी खिदमत खलक है, ये नमाज से बढ़ के नेकी हो गई। अदरवाइज़ नेकियाँ वो हैं जो अल्लाह के हक़ हैं और जो बंदों के हक़ अदा करो, और नेक बातें इंटरनेट से और उसके ऊपर देखो तो तकवा आप ही पैदा हो जाएगा। फजूल बातें देखोगे तो तकवा नहीं पैदा होगा।